उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रार्थी का आरोप है कि उसकी पुत्री के साथ गांव के कुछ लोगों ने यौन उत्पीड़न किया, जिसकी शिकायत के बाद भी मुकदमा कायम नहीं किया गया, जिसके बाद प्रार्थी की पुत्री ने सुसाइड नोट लिखने के बाद आत्महत्या कर ली। उसके बाद प्रशासन ने उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया। प्रार्थी का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि इस घटना को काफी समय हो गया। प्रार्थी आज अपने पूरे परिवार के साथ इतनी बारिश में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। इसी को लेकर सुभाष ने बताया कि अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आपको एक सरकारी नौकरी, आवास योजना के तहत मकान, बीपीएल राशन कार्ड, बच्चों को अच्छी शिक्षा और आर्थिक रूप से 5 लाख की मदद दिलाएंगे, लेकिन इतना समय हो गया, कुछ भी मदद नहीं की गई। कप्तान साहब के पास से रिपोर्ट गई थी, सीओ साहब के पास से रिपोर्ट गई थी और उस पर भी हमारी एफआईआर नहीं थी। जब हमारी बेटी ने सुसाइड लेटर लिखा, उस पर एफआईआर लिखी गई। आज हमें धरने पर इतनी बारिश में बैठे हुए 2 दिन हो गए और बारिश में हम भीग भी गए थे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। पीड़ित परिवार 2 दिनों से लगातार बारिश में बैठा है धरने पर, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा और कोई व्यवस्था भी वहां पर नहीं की गई है। मुरादाबाद से भारत टीवी के लिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? सुभाष। सुभाष जी, कितनी बैठे हैं आप धरने पर? जो अधिकारी लोग आए थे हमारे घर पे, हमारी भतीजी खत्म होने के उपलक्ष्य में, तो उसमें सब अधिकारीगणों ने आश्वासन दिया था कि आपके लिए एक सरकारी नौकरी और प्रधानमंत्री आवास योजना से आपका मकान पक्का बनवाएंगे और आपको 5 लाख की आर्थिक मदद दिलाएंगे मुख्यमंत्री राहत कोष से, और राशन कार्ड बनवाएंगे बीपीएल का, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और सब आश्वासन दिया था। और आज 5 महीने हो गए, कोई भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपकी फाइल जा चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई फाइल और कोई भी वो नहीं हुआ। इसमें पूरा मामला ये था कि कुछ दबंग लोगों के वजह से हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया था। उसमें सुसाइड में और उसने एक लेटर लिखा था, लेटर में लिखा था कि मेरे जीते जी तो इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद तो इंसाफ मिलेगा। जिन लोगों के वजह से उसने जहर खाया था, उन सबके नाम लिख दिए, 7 नाम थे उसमें, जिसमें 6 के खिलाफ रिपोर्ट हुई। हमारी रिपोर्ट जो है लेटर पर चल रही है और लेटर के आधार पर ही काम चल रहा है। पुनर्की थाने का मामला है, पुनर्की थाना, तो इसमें कुछ नहीं, आश्वासन दे देते हैं कि चलो तुम्हारा काम हो रहा है, आपकी फाइल जा चुकी है, लेकिन अभी तो कोई नहीं। एडीएम, हम एडीएम साहब के पास गए थे, जो नए एडीएम साहब आए हैं, हाँ गिरफ्तारी हुई, एफआईआर हमारी ना तो कप्तान साहब के यहाँ से, जो कप्तान साहब के यहाँ से रिपोर्ट गई थी उस पर भी ना हुई, और जो सीओ साहब के यहाँ से गई थी बिलाड़ी से रिपोर्ट, उस पर भी ना हुई थी। जब हमारी बेटी ने सुसाइड करा था उस टाइम लेटर लिखा, उस पर उन्होंने जो है रिपोर्ट लिखी थी, और हमारी तो कहीं भी सुनवाई नहीं हुई थी। तो कितने दिन से आप धरने पे ऐसा बरसात का मौसम में बैठे हुए? आज 2 दिन हो गए हमें बरसात में, बरसात में बैठे हुए, रात भी अब भीग गए थे हम सब। तो अधिकारी को रहम नहीं है? नहीं, पता नहीं क्यों, अब शासन दे कोई कुछ भी नहीं कर रहा हमारे उसमें। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, पुनर्की थाने की लापरवाही है? हाँ, पुनर्की थाने अधिकारियों की लापरवाही है। जब आश्वासन दिया, हमने मुंह से तो ना कहा कर, तो ऐसा करेंगे, जब सबने आश्वासन दिया है उसी के आधार पे हम यहाँ पे बैठे हैं। कम से कम जब आश्वासन दिया है, या तो तसल्ली नहीं देते, और जब तसल्ली दिए तो या तो कौ हो रहा है काम, या ये कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं होगा, हमें लिख के देने, हम यहाँ से जहाँ कुछ भी हो हम जा भी सकते हैं, और जब तक हमारे दिन लिख के नहीं देंगे तो हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। या तो मना कर दें कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारे प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, या फिर हमारे दिन लिख के दे दें, तुम्हारा 1 महीने में 2 महीने में काम हो जाएगा, हम संतुष्ट होकर अपने घर जा सकते हैं। हम जब तक उठेंगे नहीं, जब तक हमें लिखित रूप में नहीं देंगे। हाँ, ऐसे अब 5 महीने से हमें चूतिया बना रहे कि आपकी फाइल चली गई है, और ऐसा हो गया तो अब तक जब आप कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या क्या करेंगे?